हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और चैप्टर खत्म हो रहा है आज की वीडियो में। एक्सरसाइज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और कोई खास एक्सरसाइज भी नहीं है। जो चीजें पहले पढ़ा रखी है शुरू की 3 एक्सरसाइज में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। बस शब्दों में घुमा रखा है तो शब्द मैं आम मत घूमू, तो बस इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। ये y = 3 दे रखा है, ठीक इक्वेशन है y = 3। तो इसका हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है 1 वेरिएबल में। तो ये तो 1 ही वेरिएबल है, ये देख लो y = 3 1 वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल में y = 3 को ऐसे दिखा दो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये मान लो आपका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये जहां दोनों बीच में मिलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर इसकी लेबलिंग करें हम 1, 2, 3, 1, 2, 3, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होते हैं -1, -2, -3। y एक्सिस में नीचे माइनस होते हैं -1, -2। तो ये क्या कह रहा है y = 3। तो मतलब वेरिएबल क्या है, सिर्फ 1 वेरिएबल में ही इक्वेशन बोल रहा था 1 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल में ही है y = 3। और इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है कि y = 3 का ग्राफ क्या होगा, मतलब बेसिकली सिंपली ये लाइन होगी y = 3, ये से पास होते हुए। तो आप क्या बोल सकते हो, y = 3 का एक ग्राफ है या फिर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोल रही है y = 3। ये खत्म हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है इसको अभी इसी इक्वेशन को y = 3 को 2 वेरिएबल में लिखो, 2 वेरिएबल्स में, तो हमें x भी दिखाना है। मैंने आपको ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन करा रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि सिर्फ इक्वेशन दे रखी है y = 3 पर हमें इसे 2 वेरिएबल में दिखाना है। तो मैं आपको याद है मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, जनरल फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0। याद है ना, ये थी जनरल फॉर्म 4.1 एक्सरसाइज में मैंने समझाया था आपको। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax + by + c, जहां पर a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, तो c होता है कांस्टेंट, और ये x y 2 वेरिएबल होते हैं। ये x और y क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, और ये a और b कोफिशिएंट है। तो यहां पर देखो हमें बता रखा है कि y = 3, तो हमें x तो दे नहीं रखा, तो हम x हमें तो दिखाना है लेकिन 2 वेरिएबल में, तो हमें x करके दिखाना पड़ेगा। तो x है नहीं तो हम कोफिशिएंट उसका 0 ले लेंगे, 0 और x ने दिखा दिया ये वाला पार्ट, तो कोफिशिएंट 0 ले लिया और x वेरिएबल दिखा दिया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो है 0 ही लेकिन हम दिखाएंगे क्योंकि पूछ रहा है 2 वेरिएबल में दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। प्लस ये y तो है ही, तो y और ये कांस्टेंट, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए अगर हम ये जनरल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो ये कांस्टेंट 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3 = 0। अब ये जो इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में हो गई ना, देख लो ये पहला वेरिएबल x और ये दूसरा वेरिएबल y, तो ये इक्वेशन को हमने ऐसे 2 वेरिएबल में लिख के दिखा दिया बस। अब आप चाहो तो इसको देख लो, ये 0 × x क्या है, ये 0 ही होगा, प्लस ये क्या है, ये y होगा, और ये -3 = 0 है, तो ये y और ये 3 उधर चल जाएगा, तो y = 3। बेसिकली लिखा ये जो लिखा ना मैंने बॉक्स में, ये यही है y = 3 है, बस यहाँ पर इसने 1 वेरिएबल में शो कर रखा है, हमने इसको 2 वेरिएबल में शो कर दिया जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन के फॉर्म की मदद से। हमने बेसिकली x को दिखा दिया, उसको कोफिशिएंट 0 डाल दिया, तो हमने दिखा दिया हो जाएगा ये 0 ही, जैसे ये 0 हो गया हो जाएगा ये 0 ही, और y = 3 हो जाएगा फाइनली। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 वेरिएबल में दिखाओ, तो दिखा दिया। तो 2 वेरिएबल में ये क्वेश्चन है, ये 0x + y - 3 = 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 वेरिएबल में। अब इसका ग्राफ दिखा दो क्योंकि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ग्राफ बना देता हूं, इसको प्रिंट कर देता हूं, नहीं बना देता हूं इसी पेज पे, या दूसरे पेज पे बना दो, चलो दूसरे पेज में बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन हमने बना दी, तो दूसरे पेज पे चलते हैं, हम इक्वेशन जो हमने बनाई है वो लिख लेते हैं। क्या बनाइए, 0x + y - 3 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अब हमें ग्राफ बनाना, बेसिकली तो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो ले लो 2 पॉइंट x और y मान लो, ऐसे 2 पॉइंट ले लो। तो एक बार किसी भी वेरिएबल का अज्यूम कर लो, दूसरे वेरिएबल जब उस अज्यूम वाले वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो हम x को मान लो एक बार 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो x को मैंने एक बार 1 अज्यूम कर लिया, तो ये 1 अगर मैं अज्यूम करूंगा इस इक्वेशन में डाल के दिखाता हूं, तो मैं x को मैंने 1 अज्यूम कर लिया, तो डाल के दिखाता हूं, 0 x को 1 अज्यूम किया +y - 3 = 0। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 × 1 तो 0 ही है, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है, +y - 3 = 0, इसका मतलब y = 3। तो x को जब मैंने 1 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहला पॉइंट मिल गया, मुझे 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। दूसरी बार आप एक काम करो, x ये y को 1 अज्यूम कर लो,
तो अगर मैं वाई को मान लो वन अज्यूम कर, अब इसी क्वेश्चन में फिर डालता हूँ वाई को वन अज्यूम करके, ये जीरो एक्स है प्लस वाई को मैंने क्या अज्यूम कर दिया, वाई को मैंने क्या अज्यूम कर दिया, वाई को मैंने वन अज्यूम कर दिया, तो वाई को वन अज्यूम किया तो वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से देखो ये पूरा जीरो है ना, अगर वाई को मैं वन अज्यूम करूंगा अब कंफ्यूज हो गया, अगर मैं वाई को वन अज्यूम करूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, देखो कैसे कंफ्यूज हो गया वाई को वन अज्यूम करने में, मैंने वाई को वन अज्यूम कर लिया तो ये पूरा जीरो हो गया, और ये वन माइनस थ्री क्या होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस टू इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो आप ये कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए ऐसा पॉइंट लेना, मैं आप दिखा रहा हूं आपको कि कैसे आप पॉइंट ऐसा लेना कि सिंपली आप वाई की वैल्यू आ जाए एक्स और वाई का आपका पॉइंट मिल जाए। तो देखो जैसे मैंने यहाँ एक्स को वन अज्यूम किया था तो जीरो हो गया और वाई का पॉइंट हमें इजीली मिल गया थ्री। तो इसी तरह से आप कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर लो किसी भी वेरिएबल की, किसकी भी कर सकते हो, एक्स की भी कर सकते हो वाई की भी कर सकते हो। सपोज करो इस बार आप एक्स को जीरो अज्यूम कर लेते हो, तो एक्स को मैंने जीरो अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो अज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ जीरो जीरो प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया प्लस वाई माइनस थ्री जीरो हो गया, यानी वाई की वैल्यू थ्री आ गई। तो मैंने जब एक्स को जीरो अज्यूम किया तो भी वाई की वैल्यू थ्री आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें मिल गया अपने दो पॉइंट। बस अब ग्राफ बना दो, यहाँ पर ऐसे मैं ग्राफ बना दूँ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, जहाँ पर ये दोनों काटती है उसको ओरिजन, लेबलिंग कर दो भाई, थ्री तक चल रहा है तो थ्री तक कर देते हैं, वन टू थ्री, चलो एक एक्स्ट्रा कर देते फोर, वाई को वन टू थ्री फोर, लेफ्ट हैंड साइड एक्स में नेगेटिव होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वाई एक्सेस में नीचे नेगेटिव होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब बस हम ग्राफ बना रहे हो कुछ नहीं, तो ये वाला पॉइंट जो है एक्स वन वाई थ्री, तो एक्स वन यहाँ और वाई थ्री यहाँ, यानी पहला पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट प्लॉट करना सिखा चुका हूँ ना तुम्हें मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिखाया कि एक्स वन है और वाई थ्री है, यानी वन के सामने और वाई में थ्री के सामने ये पॉइंट आएगा। दूसरा है एक्स जीरो वाई थ्री, तो एक्स तो जीरो ही है, एक्स तो आपका ये जीरो ही है और वाई थ्री आ रहा है, एक्स आपका ये पूरा जीरो है और वाई थ्री आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा वाला पॉइंट। तो देखो आपका ये कैसे बना, x0 y3 की इक्वेशन कैसे बनी आप देखो, तो आप देख पा रहे हो वही बात इक्वेशन बन गई है, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया पॉइंट को, ये बन गया आपकी ये ग्राफ, ये ग्राफ, तो ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ये, ठीक। तो ऐसे ही करना है बस आपको, तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल में दोनों हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का आएगा, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको एक बार वन वेरिएबल में देना है, तो वन वेरिएबल में तो है ही, इसको बस सॉल्व कर दो वन वेरिएबल के लिए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ये नाइन उधर जाके माइनस हो जाएगा और एक्स जाके ये टू डिवाइड में चल जाएगा माइनस नाइन बाई टू, या फिर ऐसे लिख सकते हो नाइन बाई टू को अगर डेसिमल में लिखना हो तो एक्स इक्वल टू माइनस का साइन मत भूलना 4.5, चारों पाँच के बीच में, तो एक्स इक्वल टू 4.5, ये टू वेरिएबल वाला नेक्स्ट पेज पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका ग्राफ बना दो, तो ऐसे x एक्सिस दिखा दो आपसे, ऐसे x एक्सिस, क्योंकि हम वन वेरिएबल है ना, तो दोनों एक्सिस दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो टू वेरिएबल वाले में दिखा के बनाएंगे। अगर अभी इसे वन वेरिएबल में बात चल रही है तो x इज इक्वल टू माइनस 4.5, ऐसे नंबर लाइन जैसे पे बना के दिखा दो, ये बना दिया x एक्सिस दे दो बस इसको नाम, ये x एक्सिस है, ठीक है, और बस ये बना के दिखा दो, ये बीच में आपका जीरो नहीं होगा, ये वन है टू है थ्री है फोर है, तो ये नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, थोड़ी और लंबी कर लो इसको लाइन को माइनस फोर माइनस फाइव, तो ये जो पॉइंट है कहाँ पर है माइनस 4.5, यानी चार और पांच के बीच में कहीं होगा, तो कहाँ पर होगा ये पॉइंट, ये होगा आपका पॉइंट ये नंबर, ये बस ये पॉइंट आप दिखा दो इसको, ये है एक्स इजिकल टू माइनस 4.5, तो ये फर्स्ट का आंसर ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दे रखे टू एक्स प्लस नाइन, इसको हमें टू वेरिएबल में करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो पहले इक्वेशन को हम टू वेरिएबल में लिखेंगे, ये इक्वेशन हमें दे रखे टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इसको हमें टू वेरिएबल में करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, याद होनी चाहिए आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होती है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ए जो होता है वो एक्स कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है वाई का कोफिशिएंट होता है, सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और आप देख लो ये एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो ये जनरल फॉर्म होती है, तो इस जनरल फॉर्म में हमें लिख के दिखाना है इसको। तो देखो 2x, अब y हमारे पास नहीं है तो कोई नहीं, हम y को दिखाएंगे, बस हम इसके कोफिशिएंट को जीरो कर देंगे ताकि वो जीरो को से y मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाए और ये इक्वेशन ऐसी रह जाए, बस हमें दिखाना पड़ेगा कि दो वेरिएबल है, तो हम दिखाएंगे दो वेरिएबल, हमने इसके कोफिशिएंट को जीरो मान लिया और y लिख दिया, तो जीरो y हो गया,
प्लस ये कॉन्स्टेंट 9 है ही और राइट हैंड साइड में 0। तो ये देख लो, अब ये जो इक्वेशन हमारी हो गई, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हो गई ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल ये देख लो एक्स और वाई। इसमें जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल वाई नहीं था, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहे टू वेरिएबल में दिखाओ, तो हमने कोफिशिएंट वाई का जीरो कर दिया और ये वाई दिखा दिया क्योंकि टू वेरिएबल हो गए, तो ये फाइनली तो ये जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है। तो फाइनली ये बच्चा यही 2x+9 फाइनली ये है यही, लेकिन हम इसको टू वेरिएबल में दिखा रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है टू वेरिएबल में, ठीक है। तो दिख गई टू वेरिएबल में, आप इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ दो पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो ये एक्स और वाई। तो एक बार एक्स को या फिर एक काम करो एक बार वाई को जीरो मान, जब आप एक बार वाई को जीरो मानोगे, वाई को जीरो मानोगे तो ये तो पूरा जीरो वैसे भी होना था, वाई को जीरो मानोगे तब भी जीरो हो गया। तो एक्स की वैल्यू इसको जब सॉल्व करोगे वाई को जीरो मान के 2x+0 0+9=0 तो ये हो गया 2x, ये 9 जाके उधर माइनस हो जाएगा, ये 0 0 ही है, तो x = -9/2 या फिर बोल लो -4.5। तो जब हमने वाई को जीरो माना तो एक्स की वैल्यू आ गई -4.5, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे, दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए एक बार मान लो y को या फिर आप एक बार x को 1 मान लो, ये कुछ भी कर लो आप जो भी करोगे, आपको बस x और y के दो पॉइंट चाहिए। मैंने आपको बताया था इनफिनाइट लीनियर इक्वेशन में इनफिनाइट पॉइंट आप बना सकते हो, तो कोई सा भी आप पॉइंट मान लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप y को इस बार 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ टू वेरिएबल में करके दिखाना है। तो y को अगर आप 1 मानोगे, जैसे मान लो यहाँ पर y को आपने ये 1 मान, y को 1, तो इस इक्वेशन में डाल के देख लो, अगर y को 1 डालूंगा तो क्या बनेगा 2x प्लस ये 0 कोफिशिएंट हमने माना ये दो वेरिएबल दिखाने के लिए, y को हमने यहाँ 1 अज्यूम किया प्लस 9=0 तो 2x 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है प्लस 9=0 तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 2x ये 9 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू फिर से 9/2 माइनस में आ गई या फिर 4.5। तो बस हम y को 1 मान में तो भी x की वैल्यू -4.5 है। तो अब हमें हमारे दो पॉइंट मिल गए, अब इसको आप ग्राफ में दिखा दो, उसको आप ग्राफ में नहीं दिखा सकते, दिखा दो ग्राफ में। तो इसी पेज पे बनाऊँ, दूसरे पे बनाता हूँ, एक बार वाई की वैल्यू 0 लिए, एक बार वाई की वैल्यू 1 लिए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए। हमारी दो पॉइंट कौन कौन से आए, ये दो पॉइंट आए थे एक बार वाई की वैल्यू 0 ली, एक बार वाई की वैल्यू 1 ली, दोनों केस में एक्स की वैल्यू -4.5 ही आई। अब हमारा ग्राफ बना के दिखा देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है ना, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और चाहे दोनों आपस में काट रही होती है ओरिजिन जीरो। लेबलिंग कर लो, माइनस तक जा रहा है तो माइनस तक जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लो, या लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के माइनस में जाता है -2, -3, -4, -5। वाई को लेबल करो 1, 2, 3, 4, 5। वाई में नीचे नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4, -5। बस पॉइंट प्लॉटिंग कर लो, पहला पॉइंट है x -4/5 -4.5 और y 0, तो यानी कि y तो 0 ही है, यानी ये पॉइंट x पे होगा, तो 4.5 यानी यहाँ पे बीच में होगा। तो ये पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट है y 1 है, x -4.5 है, तो y 1 कहाँ पर रहिएगा और x -4.5 यानी इसके सामने, ये y 1 के सामने और x 4.5 के सामने, मतलब ऐसे चलते चलो, ऐसे चलेगा ना, y 1 के सामने और x 4.5 के सामने, मतलब यहाँ पे आएंगे। तो आ गए दोनों पॉइंट, अब बस इनको ज्वाइन कर दो, वही आपका ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बेसिकली ये जो हमारी इक्वेशन थी 2x+9=0 2x+9=0 इसको जब हमने टू वेरिएबल में इक्वेशन लिखी और इसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ था ये लाइन सीधी, ठीक है। तो बस इतना ही काम था, ये तो बस थोड़ा कंफ्यूज कर रखा था कि टू वेरिएबल में लिखो और ये सब। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो घबराने वाली बात नहीं, पूछ लेना, दोबारा पढ़ा देंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आप बताओ कौन सा चैप्टर शुरू करें, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई सा भी शुरू कर दूंगा, आप बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर।